दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मोटोरोला H14 नियो 5G और इन्फिनिक्स जीरो 35G फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। अगर आप ये दोनों फोन के बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। मोटोरोला H14 नियो फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस पी ओएलईडी डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में नॉच नहीं दिया, 84:5 दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें कोब डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 35G फोन, इसमें भी काफी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है। 6.78 इंच का फुल स्टेप प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में भी नॉच नहीं दिया, छोटा सा 5 दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। इसमें भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों फोन में 3D कोऑप डिस्प्ले दिया गया है, तो काफी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले में यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर डिस्प्ले साइज पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिले। थोड़ा सा बड़ा साइज है यहाँ पे इन्फिनिक्स जीरो 5G फोन में, डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा मिल जाता है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 5G फोन में, इन्फिनिक्स जीरो 35G फोन, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का, 1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया, साथ में वॉइस मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया। और जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो 50 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो मोटोरोला H14 नियो फोन, इसमें जो कैमरा है इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, 1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया। और जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया। इसी में आपको मैक्रो फंक्शन और डेप्थ फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 32 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरे में भी ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मोटोरोला का फोन में यहाँ पे कस्टमाइजिंग अच्छा देखने को मिल जाता है, तो कैमरा रिजल्ट में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में सिमिलर कैमरा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइटली यहाँ पर बेटर हो सकता है इन्फिनिक्स जीरो 35G फोन का कैमरा। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 35G फोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.6 गीगा क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो मान लीजिए 77MC9 जीपीयू मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो मोटोरोला H14 नियो फोन, इसमें मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.5 गीगा क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो मान लीजिए 610MC3 जीपीयू मिल जाता है। ये दोनों प्रोसेसर 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिमिलर परफॉर्मेंस दोनों फोन में मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइटली यहाँ पर बेटर हो सकता है इन्फिनिक्स जीरो 5G फोन। दोनों फोन का ओएस यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का फोन है इसमें एक्स ओएस दिया गया है और जो मोटोरोला का फोन है इसमें माई यूएक्स मिल जाता है। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो जो इन्फिनिक्स जीरो 35G फोन है, ये फोन में 2 वारंट दिया गया। जो बेस्ट वारंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो हायर वारंट है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पे बात करें तो जो मोटोरोला H14 नियो फोन, इसमें भी 2 वारंट दिया जाएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। जो हायर वारंट होगा 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में सेम बैटरी मिल जाता है, 5000mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो फास्ट चार्जिंग भी सेम मिल जाता है, 68W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। दोनों फोन में सेम फास्ट चार्जर दिया गया है और सेम बैटरी भी मिल जाता है। यूएसबी कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में यूएसबी टाइप सी 2.0 दिया गया। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो
जो यहाँ पर आइनफिनिक्स का फोन है इसमें बोलो तो 2.5.3 दिया गया है, और जो यहाँ पे मोटरोला का फोन है इसमें बोलो तो 2.5.4 मिल जाता है। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाता है, दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं और 4G वोल्टेज भी मिल जाता है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और फेस अनलॉक दिया गया है। दोनों फोन का 3.5mm ऑडियो जैक का बात करें तो दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन में सभी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, साथ में NFC भी दिया गया है। बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों फोन आता है। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। दोनों फोन में लेदर फिनिशिंग बैक जगह लेदर बैक मिल जाता है, काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन के साथ दोनों फोन आता है। कोप डिस्प्ले दोनों फोन में दिया गया और लेदर बैक मिल जाता है, काफी अच्छा बढ़िया दिया गया डिजाइन। डिजाइन पर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन का प्राइस का। Infinix Zero 35G फोन का जो बेस्ट वारंटी 8GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन का प्राइस है 23,999 रुपीज पर आता है, और जो हायर वारंटी है 12GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन का प्राइस है 24,999 रुपीज पर आता है। यहाँ पे बात करें तो मोटरोला H40 Neo 5G फोन, दोस्तों ये फोन लॉन्च होने से पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये फोन का प्राइस मुझे कंफर्म पता नहीं, मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर 1,500 रुपए का डिफरेंस हो सकता है। अगर आप लॉन्च होने के बाद ये वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कन्फर्म प्राइस अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे बात करें तो ये फोन का जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ये फोन का प्राइस इसी सिमिलर हो सकता है 23,999 रुपीज पर, या फिर हो सकता है 24,999 रुपीज पर आ जाए। और जो हायर वारंट होगा 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ये फोन का प्राइस 24,999 या फिर हो सकता है 25,999 रुपीज पर आ जाए। 1,500 रुपए का डिफरेंस हो सकता है या फिर इसी सिमिलर प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। प्राइस पर या फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, दोनों फोन के बीच में 1,000 रुपए का डिफरेंस हो सकता है या फिर 1,500 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, या फिर सेम प्राइस पर दोनों फोन अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये दोनों फोन का कंफ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। अगर ये पे स्पेसिफिकेशन का बात करें तो स्पेसिफिकेशन में ये पे ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा 2-3 इंच का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो जो Infinix Zero 35G फोन, इसमें 2-3 चीज बढ़िया मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले साइज दिया गया, ये एक चीज बढ़िया इसमें मिल जाता है। परफॉर्मेंस थोड़ा सा लाइटली बेटर देखने को मिलेगा और कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बात करें तो मोटरोला H40 Neo फोन, इसमें आपको ज्यादा कुछ बेटर देखने को नहीं मिलता, इसी सिमिलर स्पेसिफिकेशन इसमें भी दिया गया, ज्यादा कुछ बेटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो Infinix का फोन है इसमें डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा मिल जाता है, और इसमें सेल्फी कैमरा बढ़िया मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा दिया गया और 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाता है सेल्फी में। तो अगर आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर चाहिए, बढ़िया सेल्फी कैमरा चाहिए और डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं Infinix Zero 35G फोन की तरफ। अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का जैसे एक्सपीरियंस चाहिए और एक बढ़िया ब्रांडेड फोन चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं मोटरोला H40 Neo 5G फोन के तरफ। ये एक ब्रांडेड फोन है, अच्छा खासा बढ़िया मोटरोला का ब्रांड है, ये ब्रांड को देखते हुए फोन के तरफ आप जा सकते हैं। जो मोटरोला का फोन है इसमें आपको रेगुलर अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों फोन अगर सेम प्राइस पर अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं मोटरोला का फोन, क्योंकि ये ब्रांड पर वैल्यू करता है, यहाँ पर ब्रांड वैल्यू काफी एडजस्टमेंट मिल जाता है और अपडेट भी रेगुलर देखने को मिलेगा। ये आप जा सकते हैं यहाँ पे मोटरोला का फोन के तरफ। अगर 25,000 रुपीज से ज्यादा हुआ मोटरोला का प्राइस, तो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं Infinix का फोन, ये फोन काफी अच्छा बढ़िया बेटर रहेगा इस प्राइस रेंज पर। इस अभी जिस प्राइस पर अवेलेबल इस प्राइस रेंज पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, इसमें बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है इस प्राइस रेंज पर। अगर यहाँ पे बात करें तो मोटरोला का फोन अगर 24,000 या फिर 25,000 रुपीज पर लॉन्च हुआ, तो ये फोन आप परचेस कर सकते हैं, बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। अगर 25,000 रुपीज से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर परचेस करना बेटर रहेगा Infinix Zero 35G फोन। ये डिपेंड करता है प्राइस पर, अगर आप लॉन्च होने के बाद देख रहे हैं तो ये प्राइस को देखते हुए आप यहाँ पर चेस कर सकते हैं कौन सा फोन की तरफ जाना चाहिए। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन की तरफ आप जाना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, और हो सके तो टेक्निकल अनुरोधन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी डाटा लोग आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को बनाता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।